क्या मामला है दादा जी आपका, ये गांधी विद्यालय का पूरा मामला बताएं। गांधी विद्यालय का मामला क्या, बिल्कुल खुला हुआ मामला है। यहाँ लगभग 500 बीघे जमीन थी, वो मैनेजमेंट की प्रभुति नहीं थी। तोताराम के मरने के बाद राजस्व विभाग ने, स्थानीय राजस्व विभाग ने मृतक तोताराम के स्थान पे डॉक्टर कमल कुमार जैन के नाम हुए जमीनें बजरिए विरासत की, जबकि संस्था की जमीन किसी को विरासत नहीं हो सकती, सिर्फ विरासत होती है केवल पैतृक संपत्ति। ये तोताराम जी कौन थे? तोताराम जी डॉक्टर कमल के पिताजी। किस संस्था के? श्री गांधी विद्यालय इंटर कॉलेज। और डिग्री कॉलेज भी? नहीं, डिग्री कॉलेज अलग है। अच्छा, डिग्री कॉलेज अलग है। पूरी प्रॉपर्टी वो चाहे जयरामपुर की हो, चाहे सराय की हो, चाहे पहाड़पुर की हो, चाहे नीलगांव की हो जी, और चाहे बहादुरपुर की हो, ये पड़ा हो। अच्छा, ये सारी ज़मीनें लगभग 400 बीघे के ऊपर है। ये सारी ज़मीनें स्कूल के नाम थी। वो इन्होंने सर्वोदय सोसाइटी के नाम करवा के और लेखा परीक्षा अधिकारी, जिला लेखा परीक्षा अधिकारी को लिख के दे दिया तोताराम जैन ने कि विद्यालय के पास विद्यालय भवन और प्लेग्राउंड के अतिरिक्त अन्य कोई कृषि भूमि नहीं है। 450 बीघे धारक भूमि धारक विद्यालय को इन्होंने भूमिहीन बना दिया। मतलब इन्होंने बताया है कि विद्यालय के पास केवल विद्यालय और ग्राउंड के अलावा कोई भी जमीन नहीं है, वो एक कृषि भूमि है ही नहीं, वास्तव में है आज की तारीख में 400 बीघे है, लेकिन वो सब वो ट्रांसफर करवा लिया है विद्यालय के नाम से सर्वोदय सोसाइटी के नाम। सर्वोदय सोसाइटी के प्रबंधक और सर्वोदय विद्यालय सोसाइटी के प्रबंधक वो कमल वो थे आपके तोताराम जैन, और अब उनके पुत्र कमल कुमार जैन जी। तो इसमें क्या मामला, उसके बाद आपने कोई शिकायत की थी? इसकी शिकायत मुख्यमंत्री को की, मुख्यमंत्री के साथ अन्य अधिकारियों को जी। 36 पेज का मैंने सेकंड ड्राफ्ट भेजा है जो वित्तीय अनियमितता से संबंधित जी। पहला था अरबों रुपए की भूमि से संबंधित, पत्रांक 8, शिकायत 2021, दिनांक 19/3/2021 जी। दूसरी हमने कंप्लेंट की है जो वित्तीय घोटाला संबंधित थी, वो शिकायत हमारी है 14 जी, शिकायत संख्या 2 क्रमशः 2 जी, ये हमने भेजी 31/5/2021 जी। उसमें हमने 36 पेज ऐड किए और वो सब हमने डाले, उस पर संज्ञान लिया मुख्यमंत्री ने और उन्होंने जा सकते जी, उन्होंने दिया भेजा सेक्शन को, सेक्शन से गई मंडल के, और मंडल ने दे दिया डीआईओस को। डीआईओस बंद कमरे में आए हैं अभी 26 तारीख को जी, और प्रिंसिपल के कमरे में बैठ के डॉक्टर कमल कुमार जैन को बुलाया, 2 घंटे मीटिंग की बंद कमरे में जी। भाई आप जांच करेंगे? उन्होंने हमको एक कॉपी दी है, कॉपी इसमें लगी हुई है जी, कि हम कि 3 दिन के अंदर आप जांच आख्या दें, हमको शासन को भेज दी, अरबों रुपए का भूमि घोटाला आप 3 दिन में निपटा लेंगे, कितने बड़े आप जादूगर अधिकारी हो गए। तो ये डीआईओ ने क्या क्लीन चिट दे दी विद्यालय को? वो देने के प्रयास में। अच्छा, देने के प्रयास में, लेकिन हम नहीं बैठ रहे हैं। हमने डीएम से कहा है आप संज्ञान लीजिए। अच्छा, वो हमने लेटर लिखा है डीएम साहब। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सतीश कुमार श्रीवास्तव है और मैं सिद्धेश्वर नगर सिलौली का निवासी। हमारी व्यक्तिगत कोई लड़ाई नहीं जी, बात एक संस्था की, संस्था को आपने मोहम्मद बना दिया जी, जिसके पास 500 बीघे जमीन थी, आपने कन्हैया शंकर बक्सी की जमीन बेच दी, जमीन बेच दी विद्यालय की। ये जमीन बताया जाता है जिन्होंने दान दी थी अब पहले शुरुआत में, कि दान देने का क्या मामला था? कि स्थानीय विधायक, पूर्व विधायक स्वर्गीय तोताराम ताराचंद महेश्वरी जी, वो लोकप्रिय नेता रहे जी, विद्यालय उन्हीं के कार्यकाल में इसकी स्थापना जी, ये 45 में स्थापना हुई, 1945 जी, 48 में जी, आज़ादी के तुरंत बाद लोगों ने दिल खोल के दान दिया जी, और ये क्रम चला है 55-60 तक जी। इसमें करीब 500 बीघे जमीन दान दी गई जी विभिन्न गाँवों में। अभी हमने नाम लिया है गाँव के, जयरामपुर हो, चाहे सराय हो, चाहे महारपुर हो, चाहे नीलगांव हो, चाहे बहादुरपुर हो, और चाहे आपका क्या कहते हैं सनैया शंकर पक्ष हो, और चाहे बिसुनदास हो, ये गांव सारी गांव जमीनें दान में मिली हैं। अच्छा, इसमें आप क्या चाहते हैं? हम चाहते ये हैं कि विद्यालय जो भूमिहीन किया गया है, दोषियों को सजा मिले और विद्यालय की जमीन विद्यालय के नाम पुनः वापस।